नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं तोरपा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे सोनपुरगढ़ ग्राम के अंतर्गत माँ लक्ष्मी देवी के पावन भूमि में। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यहाँ का कुछ जानकारी दिए थे, तो आज आपको हम लोग पूरी जानकारी इस मंदिर के बारे में देते हैं। तो चलिए अंदर की ओर चलिए हमारे सहयोगी पवन जी के साथ। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आज जैसा कि आप देख सकते हैं माँ लक्ष्मी देवी यानी कि जो खुद से स्वयं भी हैं, तो हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं। और इस जगह की खासियत के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर किसी कारणवश स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था, तो मैं उन्हीं के द्वारा आप लोगों को इस मंदिर का परिचय देना चाहूंगा। उससे पहले मैं मंदिर की चारों ओर की आकृति जो एक पेड़ के ऊपर बनी हुई है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं अपने सहयोगी पवन जी को कहूंगा कि सामने सब तरफ का नजारा हम दर्शकों को दिखाएं। जैसा कि ये शेषनाग के रूप में इन्हें पूजा जाता है, फिर मैं यहाँ पर देखिए ये वृक्ष में गणपति जी यानी गणेश जी की प्रतिमा, उनका ये किस तरीके से निखरा हुआ है आप देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन लग रहा है कि कोई कलाकारी है जो कि ये खुद से पेड़ में बने हुए हैं। एक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर आपको प्रस्तुत हो रहा है, आप देख सकते हैं लगातार मतलब मंदिर की चारों ओर नाना प्रकार से कलाकृति बनी हुई है। और मैं अभी आप लोगों को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा यहाँ की जानकारी पेश करूंगा। आप यहाँ पर आए, मेरे सहयोगी पवन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर जो माँ सरस्वती जी स्वयं प्रकट हुई हैं, उन्हें आप दर्शकों को दिखाएं। ये हैं माँ सरस्वती जी की प्रतिमा जो खुद से निकली हुई है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल मतलब कहा जाता है कलयुग में भी ये एक चमत्कार है। तो जैसा कि हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण आ चुके हैं, मैं इनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। तो आपका नाम क्या हुआ? केशवर सिंह। इस मंदिर के बारे में बताइए कि इस जगह का नाम क्या है? ई ग्राम सोनपुरगढ़ प्रबंध समिति लक्ष्मी देवी माँ, और यहाँ का बहुत पुराना जी दादा परदादा जो बताए उसी को हम लोग जानते हैं, और परदादा भी इसका बारे में बताने नहीं सके। अच्छा, तो इस जगह का नाम लक्ष्मी देवी के नाम हाँ, से क्यों पड़ा, कारण क्या है? कारण यही है कि अंग्राबारी का भोले बाबा और माता लक्ष्मी देवी जी ये विराजमान थे कहीं पेड़ के नीचे, और वहाँ से यहाँ पूर्वज को स्वापन मिला, और उस स्वापन के आधार से लोग देखने गया, और वहाँ जाकर देखा तो हमारा लक्ष्मी देवी माता वहाँ विराजमान थे, और वहाँ बैलगाड़ी लेकर के गए और इन्हें उठा कर लाए, जैसे स्वापन में बोले थे वैसा ही किया गया। अच्छा। और ला करके और यहाँ रखा गया, तो अंग्राबारी भोलेनाथ यहाँ भी आए। अच्छा। और बोले कि चलो वहीं रहेंगे, लेकिन माता का कृपा हुआ कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, तो इसीलिए नाक को कोंच करके नक्ती कर दी। अच्छा, मतलब नाक को काट दिये। हाँ, काट दिए और नक्ती कर दिए, और उसी दिन से अंग्राबारी में वो विराजमान है, और सोनपुर ग्राम सोनपुरगढ़ में माँ लक्ष्मी देवी विराजमान, मतलब माँ दुर्गा का ये रूप है। रूप है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वो पेड़ के इधर से हाँ आप रूपी अंदर से आए हैं बाहर। अच्छा ये हाँ, सामने जो थोड़ा है। सा दिख रहे थे। अच्छा थोड़ा सा दिख रहे थे, अभी तो पूरा निकल गए। कौन सी देवी है वो? वो तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हाँ। अच्छा जानते हैं और जीवित बहन पेड़ के नीचे अस्थाई उनका है और वो गणपति जी आप भी बने हुए हैं और यहाँ सात बहिन का पिंड। अच्छा ये सात बहिन का पिंड जो है अपरूपी बना हुआ है, इसी में इनका सातों बहिन आकर के विराजमान रहते थे। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल में संकेत और पवन के साथ हम लोग जो ग्राम सोनपुरगढ़ के अंतर्गत माँ नेक्टी देवी के पावन भूमि पर आए और जैसा कि स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि यहाँ जो यहाँ से महज लगभग 15 दूरी की में स्थित है अंग्राबारी जिसे आमरेश्वर धाम भी कहा जाता है, वहाँ बाबा भोलेनाथ के द्वारा माँ दुर्गा जी का नाक को काट दिया गया था, तब से इनका नाम नक्ती देवी पड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या हुआ? नेपू सिंह। हम पूरी टीम के साथ इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दान पात्र रखी हुई हैं। हम सारे दर्शकों से यही कहेंगे कि अगर आप इस स्थान पर आए तो अपना सहयोग राशि जरूर से जरूर यहाँ पर दें, दान पात्र में जरूर दें, क्योंकि आप जो दान करते हैं उसी से इस मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा है और मतलब यहाँ पर सालों भर की व्यवस्था इन्हीं लोगों के द्वारा, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसको की जाती है। यहाँ पर एक समिति बनी हुई है, वो समिति के द्वारा यहाँ की देखरेख की जाती है। इधर बजरंग बली। तो दोस्तों ग्राम सोनपुरगढ़ के अंतर्गत आप लोगों ने देखा माँ नक्ती देवी का ये पावन मंदिर। तो अब हम लोग एक और चीज दिखा रहे हैं, ये हनुमान जी का बजरंग बली का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं काफी उमदा मंदिर बनाया जा रहा है। तो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण से मैं इस मंदिर निर्माण के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ, तो इनसे मिलते हैं। आपका नाम? प्रताप साहू। इस मंदिर में क्या लागत लग रही है? मंदिर में लागत है करीब 25 लाख। 25 लाख। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 25 लाख रुपए से इस मंदिर का भव्य रूप का ढांचा दिया जा रहा है। आप लोग इस जगह पर आए तो ज्यादा से ज्यादा इस जगह में दान जरूर करें। आप लोग जो दान करते हैं उसी से ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी और हम जो भी वीडियो आप डालेंगे वो आप लोगों तक बहुत तेजी से पहुंच सकेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।